गुड मॉर्निंग सबको। और कल मैंने आपको एक ड्राइंग करके बताई थी, आज मैं उस ड्राइंग में मैं सिंपल सा कलर करना बता रहा हूं। जो बच्चे मेरे यूट्यूब को देखते होंगे उनको ठीक भी लगता होगा। अब ये जैसे मैं कल ड्राइंग करी थी तो बहुत ड्राइंग में उसको लाइट कर लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि होता क्या हम लोग अगर डार्क पेंसिल करेंगे तो कलर करने वाले तो लाइनिंग दिखती है, जबकि वाटर कलर से बहुत लाइट कलर से मैं लेकर चल रहा हूं। और लाइट कलर को किस तरह से और लाइट में करना है तो बहुत लाइट कलर्स लेकर आपके सामने मैं ये सब करता आ रहा हूँ। देखिए बहुत हल्का कलर्स ये कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ही करने के बाद इसको थोड़ा सा ब्रेक देना है, ब्रेक देना है अर्थात थोड़े सूखने तक का इसको, ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा सूखने दें। से हमारे कलर सूख चुका है। अब जैसे मैंने कल उसमें वो माउंटेन बना रखे थे, तो माउंटेन देखिए पर्पल कलर लगभग मतलब ब्राउन ब्लू कलर लेकर ये कलर बहता है, तो बहने दीजिए, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। और किस तरह से देखिए डेप्थ ये कर रहा हूँ मैं कलर्स को। इसके बाद साथ साथ हमें ब्रश भी दूसरा रखना है, अगर ज्यादा ये कंडीशन ऐसी आ जाती है तो इसको हम साफ ब्रश से इसको साफ कर सकते हैं। और इससे ये क्या है नीचे क्लाउड से फिर नीचे से बादल से फिर आ जाएंगे आपके। ये हमने इस तरह से कर लिया है, ये देखिए आप देखेंगे पूरा ये। फिर दूसरा इसी के कलर को आगे बढ़ाते हुए कलर को थोड़ा टोन चेंज कर देंगे। फिर वही मेथड, इसके बाद पानी से लेकर ये हमने इस तरह से किया, और इसको सूखने के बाद थोड़ा थोड़ा वेट करते जो हमें कलर सूख चुका है। इसके बाद जैसे दूसरा कलर में ओकर येलो, और ब्रश को मैं किस तरह से चला रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों का, कि ब्रश का अगर चलाना आ जाए, कलर तो सबके पास होते हैं और ब्रश भी सबके पास होते हैं, लेकिन अगर वो थोड़े से तरीके से चलाने आ जाए तो पेंटिंग्स में मजा कुछ और आ जाता है। तो किस तरह से मैं ये काम कर रहा हूँ थोड़ा देखते हैं। व्हाइट कलर देगा कलर जैसा कलर का भी खेल है, कि मैं डार्क किया है तो लाइट की कलर से दे, मैं किस तरह से लाइट रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो उस कलर लाइट हो जाता है वहां पर जाकर। ये देखिए इस तरह से मैंने ये हमने वही कलर हमने कर दिए हैं। इस तरह से मैंने ये करता हुआ आ रहा हूं। देखो इस पहाड़ के पास एक नजदीक का माउंटेन बना रहा हूं, उस नजदीक के माउंटेन में आप देखिए पेड़ किस तरह से पहाड़ों पर होते हैं, ये आप देखिए। और किस तरह से मैं ब्रश को चला रहा हूं, ब्रश में मेरा टाइप का है ये ब्रश, देखिए डिफरेंट टाइप का ब्रश है ये, देखिए अलग टाइप का ब्रश है ये, आपका इस टाइप का ब्रश है। और कहते हैं ना आवश्यकता है उसका की जननी है, तो ये जैसे जैसे हमें जरूरत होती है तो हम मार्केट से टूल्स उसको ले सकते हैं। इस तरह से कंप्लीट होता हुआ आ रहा है पेंटिंग। और इस तरह से हमें दूर की चीज दिखानी है, कैस के पास की दिखानी है। अब मैं ब्रश को देखिए, हम कोई दूर की जो चीज दिखाते हैं तो आप उसको हल्के कलर से अप्लाई करेंगे, होता क्या कि हम कोई दूर की चीज तो डेप्थ में दिखती है, मतलब बहुत गैप बहुत दूर जाके, दूरी का आभास भी तभी होता है। तो इस तरह से देखो आप, हमें पानी के जैसे एक तालाब दिखाना है हमें, तो तालाब के लिए हमें वो जगह छोड़ दिए थोड़ी सी, ताकि इसके रिफ्लेक्शन सेम कलर से इसमें आ जाए। और फिर वही एक प्रोसीजर थोड़ा सा सूखने दीजिए, फिर देखिए और अपना ही काम का अवलोकन भी करें, थोड़ा देखकर क्या गलती हो रही है, और धीरे धीरे इसको आनंद के साथ पूरा करते चलें। अब इसके थोड़ी थोड़ी डिटेल हम बना रहे हैं।
अब देखिए थोड़ी सी जगह छुटी हुई है तो इसको किस तरह से मैं झोपड़ी का रूप दे रहा हूँ। उसे मैं नजदीक कैमरा से दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, और एक एक चीज, जैसे हमें यहाँ पे कुछ दिखाना है, घर दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, तो सिंपली ड्राइंग कर लेंगे। और किस तरह से ड्राइंग करके ये फिर इसको कलर के हिसाब से इसको कंप्लीट करना है। ये एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ग्रामीण दृश्य बनाइए। और पूरे बोर्ड में ये 30 नंबर का आता है, 60 नंबर का हमारा आलेखन आएगा और 30 नंबर का ये लैंडस्केप है। आप अगर लैंडस्केप नहीं बना सकते हैं, नेचर बना सकते हैं, नेचर के साथ साथ और भी बहुत सारे जैसे फ्लावर्स है ना, वो बना सकते हैं, मेमोरी ड्राइंग्स है, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, वो आप बना सकते हैं। ये छोटी छोटी झोंपड़ी अभी दिखा रहा हूँ, इसको आप बड़े बारीकी से देखेंगे। पहले मैंने जैसे बताया आप इसको ड्राइंग करके और किस तरह से इसको पूरा कर रहा हूँ, कलर्स ओकर येलो ब्राउन कलर करके बैकग्राउंड दिखा के, ताकि झोंपड़ी हमारी क्लियर दिखाई दे। क्योंकि अक्सर में हम लोग पहाड़ों पे देखते हैं, पहाड़ के बीचों बीच वो वाइट कलर के मकान अलग से बिल्कुल ऐसी छवि छोड़ते हैं कि जैसे कितने नज़दीक हों, लेकिन जब वहाँ आप विजिट करते हैं तो देखने में पता पड़ता है कि बहुत डिस्टेंस पे वो पहाड़ है, पहाड़ पे भी झोंपड़ी या मकान है, गाँव की सीन है। तो इस तरह से मैं एक ही चीज़ को पूरा किस तरह से कर रहा हूँ वो आप देखते चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये इस तरह से एक ही चीज, पूरा हो जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पेंटिंग में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगाने के लिए थोड़ा सा एक पेड़ वगैरह का भी हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं। तो पेड़ की मैंने टहनी बना दी है, लेकिन आप उसको करने से पहले कम से कम एक बार ड्राइंग कर लेंगे जो चीज बनानी होती है, क्योंकि तो टीचर्स के साथ एक सर अपना एक अनुभव जुड़ा होता है काफी दिन से पुराना, क्योंकि वो लगातार पता नहीं कब से वो काम कर रहा है। तो आप क्योंकि अभी इस फील्ड में नए नए हैं, तो आप पहले प्रॉपरली ड्राइंग करें और एक एक चीज के अलग से स्टडी करें। जैसे बहुत सारे पेड़ बनाए, बहुत सारे घर बनाए अलग अलग, पहले इनकी स्केचिंग करें, फिर कहीं कहीं जाके माउंटेन्स की ड्राइंग्स हैं, फिर पेंसिल से किस तरह से शेडिंग करें, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम लोग डायरेक्ट कोशिश करते हैं तो कहीं सफलता नहीं होती, और हम झुंझला कर क्या करते हैं, फिर पेंटिंग को छोड़ देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें टीचर्स को फॉलो भी करना चाहिए और अंधा होकर फॉलो भी नहीं करना चाहिए, दोनों बातें हैं, अंधा अनुकरण, क्योंकि कलाकार के अंदर से भी जो निकल कर आती है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने एक पेड़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। वही तरीका पहले रहता है कि लाइट टू डार्क, पहले हमें पीला किया है, देखिए पीले के बाद है ना, जैसे मैं पंच बना रहे हैं तो फिर पीला निकला, फिर उसके बाद लाइट ग्रीन किया मैंने, लाइट ग्रीन के बाद थोड़ा सा डार्क ले लिया, क्योंकि ग्रीन कलर की बहुत सारी टोन्स होती हैं, हमें सबका नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे जब नीचे की तरफ आ रहा हूं मैं, और उसकी डार्कनेस बढ़ रही है, क्योंकि ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो नेचुरली उस कलर्स में क्या है, वो सन की लाइट मतलब पीलापन उसमें मिल जाता है। आप नीचे इसकी शेडो पड़ रही है, तो शेडो पड़ का मतलब यही हुआ कि उसमें डार्कनेस आ गई,